हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। आज हो गया यहाँ वेडनेस से, बट जैसे आप देख सकते हैं आज का वेदर यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे आज एकदम रेनी सीज़न जैसा वेदर है, जैसे हम लोगों का बरसात का मौसम होता है। तो ऐसे मौसम में मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है। मुझे याद आते हैं जब मैं कॉलेज में थी, तब ऐसे मौसम में मुझे लगता था मैं क्लास भी बंक कर दूँ। तो आज भी वैसा ही हुआ। आज बहुत लेट मैंने ब्रेकफास्ट, बस थोड़ा सा सूजी का चीला बना लिया और हो गया, वो भी 11:30 को हम लोग ब्रेकफास्ट किए। देखते हैं आज दिन भर और क्या क्या करते हैं। आप लोगों को आज दिन भर के कुछ पल हम लोग शेयर करेंगे। झटपट बनाने वाली हूँ, बस एक फ्राइड राइस, और कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा। तो बस मैं सरसों तेल में फ्राइड राइस बनाऊँगी, क्योंकि मैं रिफाइंड नहीं पसंद करती हूँ। तो यही बेसिकली आप लोग रिफाइंड में ही बनाइएगा, रिफाइंड में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये जल्दी जल्दी रेसिपी ज़्यादा लेंदी शेयर नहीं करूँगी, बस मैं जल्दी जल्दी इसको बनाऊँगी। मैंने तेल में सबसे पहले दो अंडे डाल दिए हैं फेंट के, उसको अच्छे से क्रम्बल कर लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है ऑनियन, वो डाल दूँगी। बेसिकली ये मैं स्ट्रीट स्टाइल जो होता है उसी टाइप से बनाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है। और ये पूरा रेसिपी हाई फ्लेम में बनता है, ताकि ये जल्दी जल्दी बनाना है इसलिए। फिर मैं इसमें गाजर और क्या है कैबेज डाल दूँगी। अगर आप लोग इसको वेज बनाना चाहते हैं तो आप लोग अंडे को स्किप करके डायरेक्ट वेजिटेबल से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप लोग पहले स्प्रिंग अनियन को फ्राई कर लीजिएगा, फिर सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिएगा। वेजिटेबल्स में आप लोग अगर चाहे तो बीन्स और कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे सिर्फ इसमें गाजर और कैबेज ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं बस यही यूज़ करती हूँ। तो इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे, बस हल्का सा 1 से 1.5 मिनट तक जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने इसमें मसाले में मैं इसमें से पेपर पाउडर और रेड चिली पाउडर डालती हूँ। रेड चिली पाउडर बहुत ही कम डालती हूँ, और आप लोगों को जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप रेड चिली पाउडर और पेपर पाउडर डाल सकते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ मसाला डलता नहीं है, यही दोनों मसाले डलते हैं। इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। मसाले डालने के बाद मैंने इसमें हल्का सा सोया सॉस और थोड़ा वाइट विनीगर डाल दी हूँ। जैसे कि मैंने बोला, ये मैं डिटेल रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो एक बार ये सब अच्छे से सॉटे होने के बाद मैं राइस डाल दूँगी। तो राइस मैंने बासमती राइस लिया है, आप लोग चाहे तो कोई भी राइस ले सकते हैं, छोटा वाला राइस ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर राइस बासी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर गर्म होता है राइस तो टूट जाता है। तो मैंने क्या किया था, आज मैंने फ्रेश ही राइस बनाया। तो मैंने राइस को फ्रिज में कुछ देर रख दिया था ढक के, तो ये ठंडा हो गया। और एंड में आप डाल दीजिए इसमें नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए, चेक कर ले सकते हैं बस। और एंड में मैं थोड़ा सा ग्रीन स्प्रिंग अनियन डाल दूंगी ऊपर से, और बस रेडी हो गई हमारी एक फ्राइड राइस। इसे मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ डालना भूल गई, आप लोग उसको डालिएगा तो ज़रूर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तेल में आप लोग स्टार्टिंग में गार्लिक डाल दीजिएगा, गार्लिक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैं भूल गई डालना। के लिए मैंने थोड़ा पनीर के पकौड़े बना लिए, और उसके डैडा भी खाएंगे शायद, मैं नहीं खाती हूँ। मुझे ये फ्राइड राइस ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग बताइएगा कमेंट में, आप लोगों को फ्राइड राइस किसके साथ अच्छा लगता है। अभी शाम हो चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं कहीं ऐसे ही टहलने के लिए, घूमने के लिए। खाना खाने के बाद मैं और सारा थोड़ा सा सो गए थे तो अभी वेदर फिर से ठीक हो गया है, थोड़ा गर्मी भी बढ़ गया है। तो देखते हैं लोग अभी इधर ही कहीं जाएंगे।
ओके क्या खाएगा हम लोग आज नीडलर्स आए हैं यहाँ से भी हम लोग अपना घर का सामान कभी कभी लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता भी मिलता है पिछले बार जो 365 स्टोर राजेश ने दिखाया था उससे यहाँ पे सामान थोड़ा सस्ता मिलता है तो आज यहाँ पे सामान लेंगे पे भी लगभग सभी कुछ मिल जाता है बस थोड़ा कम प्राइस में मिलता है आप लोगों से मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे क्या होता है यूएस में जब आप आते हो अगर आपको दवाई का ज़रूरत पड़ता है तो आपको दवाई ढूंढने के लिए क्या करना है आप नियर बाय जो भी सुपरमार्केट है उसमें आप चले जाइए तो आपको जो भी दवाई चाहिए वो मिल जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे दवाई हैं जो आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ दवाई जो है आपको यहाँ से मिलेगा नहीं वो आपको काउंटर से लेना पड़ेगा तो काउंटर में क्या होता है वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगता है तो मैं आपको डॉक्टर का दिखाता हूँ कहाँ पे काउंटर होता है तो ये देखेंगे आप फार्मेसी प्लस पिकअप लिखा हुआ है तो उसके अंदर बहुत सारी दवाई रखे हुए हैं जो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करने पर ही मिलेगा सो सायनी बिलिंग कराती हुई काम में लग गई हूँ हम लोगों को कल सारा के स्कूल में जाना है जैसे कि आप लोगों को पता है कल टीचर मीटिंग है तो अभी स्कूल में क्या होता है यहाँ पे कुछ चीज़ें स्कूल से बोल देते हैं वो हम लोगों को स्कूल में सबमिट करना होता है साल भर के लिए तो वही मैं अभी यहाँ पे सब सजा ली हूँ बस सब सारा का नाम लिख दूँगी सब में तो पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या मांगा है तो वो लोग एक टिशू बॉक्स मांगे हैं और यहाँ पे जो वाइप्स होते हैं बच्चे लोग का वाइप्स मांगे थे और दो सेट कपड़ा विथ सॉक्स और अंडर इनरवेयर मांगे थे तो वो सब एक पैकेट में जिप लॉक में करके डालने बोले थे और उसमें मैंने नाम लिख दिया है सारा का और यहाँ इस पेंसिल बॉक्स में वो लोग बोले थे कि ऐसे दो प्ले डो देने के लिए दो ग्लू स्टिक और दो बच्चे लोग का जो सीजर आता है वो और चार ऐसे इरेज मार्कर जो इरेज हो जाता है वैसे करके दे के एक पेंसिल बॉक्स में डाल के देने बोले थे तो ये भी मैंने दे दिया इसमें भी मैं सारा का नाम लिख दूँगी और एक ये कलर डालने बोले थे पेंट जो लिक्विड कलर पेंट होता है वो भी डालने बोले थे तो वो भी मैं दे के फिर इसमें भी नाम लिख दूँगी तो ये सब हम लोगों को कल सबमिट करना है इसके साथ एक ब्लैंकेट भी सबमिट करना है क्योंकि छोटे बच्चे लोगों को क्या होता है ना नींद आ जाता है तो उन लोगों को सोने का मन होगा तो इसलिए घर से सबको एक एक ब्लैंकेट देने बोला है तो हम लोग एक ब्लैंकेट भी दे रहे हैं ब्लैंकेट भी आ गया है इसमें भी मैं सारा का नाम लिख दूँगी हाँ यहाँ पे है तो इसमें भी मैं सारा का नाम लिख दूँगी बस ये भी हो गया बस सब कुछ यहाँ पे अभी रेडी कर ली हूँ क्योंकि कल हम लोगों के लिए एक नया दिन है पहली बार हम लोग स्कूल का एक्सपीरियंस करेंगे हर पेरेंट्स के लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस होता है होप आप में से जो भी
पेरेंट्स है आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट टाइम स्कूल में जाने से कितना एक्साइटमेंट रहता है। तो देखते हैं कल क्या होता है स्कूल में। तो आज के लिए बस यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।